ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੌਥੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਇਆ उसने जब सुनाया तो रफी भाई को बहुत अच्छा लगा मुझे कहने लगे रफी भाई ये ज्ञान बहुत मज़ा है इसको कुछ दो खैर पाओ हम अंदर से जाके अपनी बांदा से आटा शाटा लाके दिया बस दे दिया तो चला तो रफी भाई ने बोला इनको फिर बुलाओ फिर सुनेंगे वो बुजुर्ग को मैंने आवाज़ दी वो कहने बेटे क्या बात है मैंने बुजुर्ग को बात सुनी रफी भाई ने बोला उनको ये जो आपने चीज कही है इसको जरा दोबारा मेरे सामने कहे कहेंगे बेटी आपको बहुत अच्छी लगी है यानी बड़ा मज़ा आया फिर सुना उसने वही चीज़ सुनाई जब उसने सुनाई दो बोल सुनाए रफी भाई ने बोला मुझे को ये जो आपने सुनाई है यही चीज़ मैं आपको सुना दूँ कहेंगे बेटी इतनी जल्दी तुमने यानी पिकअप किया कहेंगे मैं मुझे शौक है तो मैं आपको सुना देता हूँ कहने सुनाओ बेटे बहुत खुश हुआ उसने ऐसे उसके जिस्म पे बैग पे उसे हाथ रखा बेटे तुम्हें शौक है तुम्हारी आवाज भी मैंने देख ली है लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं एक टाइम ऐसा क्या तुम्हारा नाम होगा इतना नाम होगा कि दुनिया पे छा जाओगे अल्लाह की मेहरबानी से कह लेंगे बुजुर्ग मैं तो मुझे तो अभी आता नहीं कुछ कह लेंगे शौक है ना तुम सीखो फिर देखो क्या बात है छोटे गुलाम लिखे उनसे भी तालीम हासिल की एक वैदरी खां थे वो सबसे बड़े उस्ताद थे उनसे भी थोड़ी तालीम ली मेरे बड़े भाई साहब के बहुत दोस्त थे छोटे गुलाम अली खां साहब कलकत्ते में हमारे घर आया करते थे और वो भी तारीफ करते थे अपने शिष्य की देखिए कि पंडित जी मोहम्मद बहुत अच्छा गाता है और इससे ज़्यादा क्या अगर कोई गुरु कह रहा है अपने शिष्य के लिए तो और कुछ चाहिए नहीं मेरे से पहले की बात है थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा याद है मुझे कि हमारे लाहौर में होते थे म्यूजिक डायरेक्टरों का नाम था फरोज निज़ामी साहब फरोज निज़ामी तो वो बहुत माहिर थे क्लासिकल के उनसे क्लासिकल भी उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा और फिर वो मेरे उस्तादों के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद बरकत अली खान साहब उनके पास भी जाकर उनको सुनते रहते थे बहरहाल इसलिए वो थोड़े से अलहदा कलाकार थे लाहौर में महफिलें बहुत होती थी तो ये भी अपना टेंट लेके चले गए वहाँ खाना पाना पकाया तो रात को गाना होता था रोजाना इतना उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार सहगल साहब आए थे वहाँ लाहौर में या कहीं प्रोग्राम के लिए आए थे और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो माइक्स वगैरह बंद थे रफी साहब सिर्फ 15 साल के थे तो उन्होंने स्टेज पर गाया था गाना और बड़ी जोर से गाया था क्योंकि माइक तो थे नहीं तो सारे लोगों ने उनकी आवाज को सराहा और सहगल साहब ने कहा कि ये लड़का बहुत तरक्की करेगा और इस तरह से उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था ये बात ये जिक्र उन्होंने किया था हमारा दोस्त था ताज मलिक सबसे पहले उसने अभी की पिक्चर थी वो तो जीनत और रफी भाई को ले गए इनका ड्यूट था बोल उनके क्या थे रफी भाई के बोल थे तेरी याद ने आना सताया तेरी याद ने आना दीन भाई को बोला क्या अमीर भाई ने मेरे साथ भेजो बम्बई में कुछ वहाँ कुछ मैं चूँकि होकर आया हूँ वहाँ की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो हम किस्मत आजमाते हैं चलते हैं जाएंगे दीन भाई ने बोला यार बात सुनो हमारा वालद नहीं जाने देगा कहने का उनसे यार दोस्त सब मियाँ जी को मिलेंगे उससे ज़रा रिक्वेस्ट करेंगे खैर बहरहाल इजाज़त दे दी हमीद भाई को रफी भाई को दीन भाई ने बोला कि हमीद भाई तुम जाते हो तो फिर इधर का नाम नहीं लेना यहाँ तो कुछ बन के आना तो यहाँ इधर नहीं आना मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान।
रफी साहब बांद्रा में जहाँ अभी रफी विला है उससे पहले अलमेदा पार्क पर रहते थे, वहाँ मन्ना डे साहब और रफी साहब पास पास ही रहते थे। लेकिन शुरू में जब रफी साहब आए थे तो एक बहुत छोटा सा कमरा लेकर पुराने मुंबई शहर में रहते थे, पूरा मुस्लिम एरिया, उसमें वो रहा करते थे छोटी सी खोली में। जब वो तरक्की कर गए थे तब उन्होंने दे दिए अपने नौकर को, नौकर को दिए थे और बोल कर दिए थे कि ये घर कभी बेचना नहीं, ये इसको ऐसी गिफ्ट में देकर। ईद के जमाने मिलने आते थे वो सबसे, जब ईद होती थी तो वो ईद की नमाज के बाद मिल के जाते थे सबसे, तो आते थे अपने। रोज सुबह रियाज करने के लिए वो मरीन ड्राइव पर आया करते थे। मरीन ड्राइव पर उस समय सुरैया जी रहती थी, आवाज पड़ती थी कान में। तो एक दिन उन्होंने देखा खिड़की से कि कौन, किसकी आवाज आ रही इतनी अच्छी, तो लोगों को भेजा तो मालूम पड़ा रफी साहब रियाज कर रहे हैं। तो सुरैया जी फिर गई और बोली, रफी साहब आप मेरे घर के अंदर आकर रियाज किया कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप जैसा कलाकार, मेरा फ्लैट यहाँ है, आराम से आइए। तो मैं पूछा कि रफी साहब आप यहाँ इतनी दूर मरीन ड्राइव पर आकर क्यों गा रहे हैं? तो रफी साहब बोले, देखिए ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ छोटे छोटे कमरों में सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, गाता हूँ तो सबको परेशानी होती है, और मेरे मोहल्ले में इतने सारे कुत्ते हैं, सुबह 4:30 बजे गाना शुरू करता हूँ तो उनका भौंकना शुरू हो जाता है, तो वो न मैं गा सकता हूँ न लोग सो सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं समंदर किनारे जाके गाया करूँ, तो वहाँ कम से कम समंदर की हवा भी लगेगी, खुला आसमान भी होगा, तो वहाँ रियाज करूँ। तो उन्होंने बहुत अरसे तक सुरैया जी के घर में रियाज किया। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और दिल में तेरे बस जाऊं और बन जाऊं चित चोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर, तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी। रवि के बाप मेरे बाप को जानते थे। अच्छा। मम्मी टॉप की आर्टिस्ट थी, दोनों ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेके जाता हूँ, वो उनकी हेल्प करेंगी। मम्मी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बताऊंगी सब म्यूजिक डायरेक्टर को बताऊंगी कि इसको सुने, समझे कि नहीं, आगे काम देना तो मालिक के हाथ में है या म्यूजिक डायरेक्टर के, मैं रिकमेंड करूँगी। मगर ये लड़का मेरी रिकमेंडेशन का मोहताज नहीं है, ये आगे निकलेगा, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि इसको लोग उठाएंगे, और मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये 1 साल बाद मेरे साथ गाएगा, और 1 साल के बाद रफी गा रहा था। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। अब्बा ने फिल्म को कोरस में गवाया, फिर उसके फौरन ही बाद अनमोल घड़ी मैं पहला सोलो गाना था रफी साहब का, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है किस्मत ने लूटा, तुझको है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। फिर उसके बाद में ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये गाना तो बहुत सीख हुआ। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिलके पानी, अंजाम ये कफानी, पानी में मिलके पानी, अंजाम ये कफानी, दम भर को सांस ले ले,
दम भर को सांस ले ले ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। बस उसके बाद फिर चलता रहा क्या, माशा ऐसा 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 माशाल्लाह। एक टाइम ऐसा आया कि वो जुगनू बनी, फिल्म जुगनू में डुएट नूर जहाँ जी के साथ, प्लेबैक ऑफ दिलीप कुमार सर। यहाँ बदला बपा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है, कभी सुख है कभी दुख है अभी क्या था अभी क्या। कारदार साहब के पास जब आए तो कारदार साहब के पास साहब ज्यादातर जो मशहूर हुए इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आगे फिर माशाल्लाह ऐसा 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 अल्लाह ताला ने सुनी ऐसी कि दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। We are seven brothers and sisters, and I'm the fourth child. And she's Yasmin. She's the sixth. Outside world used to praise him, used to like, you know, talk good about him. Obviously, I mean. In the house also, obviously, nobody talks bad about the father. But no, we never took him as a legend, or I would say, oh, he's big. No, no, he was our father. And we treat him as a father. We treated him as a father. This is not only me, all the whole family. Itne kareeb the Zahir bhai unke ki Rafi saab guzar gaye, mujhe lagta hai uske immediately uske baad hi chale gaye honge. He was a true honest man for you. He was honest. Not like today's secretaries. He kya paisa liya, kya paisa ja raha hai, kiske kaha kha raha hai, kuch nahi Rafi sir. He was very transparent. And he had a style, Zahir bhai had a style. Daddy ko agar apne samjho ki koi bachcha badmashi kar raha hai, kuch aisa kar raha hai, wo khud nahi kuch bolte the. Mummy ko bolte the. Bole, mummy bole, suno, dekho, ye badmashi kar raha hai. So like, you know, this, I mean, my mom used to be in the bad books. And my dad used to be like, you know, he was, ke, na, main toh kuch nahi kar raha. Like, you know, and he never used to shout at anybody. I've never seen my father shouting at anybody. My elder sister, she was very, very close to him. I mean, I don't think he'll ever let her work in the house, you know. Ek glass pani tak ke nahi utha ke rakhti thi, you know, he was so close to her. And the song in Neel Kamal, it really came out from his heart, you know, because that was the time when she got married. बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पांव में, उस द्वार से भी। मैंने रफी साहब से पहली बार जब देखा तो मैं जबलपुर में था भाभी जी के साथ, राज जी के साथ, पिक्चर दिल लगी रिलीज हुई थी, मियाँ जी कारदार मियाँ जी की पिक्चर थी, मधुवाला और गीता दोनों, और कॉन्सर्ट हुआ था जबलपुर में और रफी साहब वहाँ आए। यू नो द सॉन्ग विच ही कंसिडर्ड एट दैट टाइम टू बी वन ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग, दिल लगी का गाना था वो, ना पूछ हुआ क्या हाल मेरा, क्या बात है, के देरी न लगे से, क्या बात है, ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। देखिए उनकी वजह से, रफी साहब की वजह से वो सागा मदन दादा मागन तरपत हरिधर चैन को आज, मन तरपत हरिधर
तरपत हरिदर्शन को आज, उसकी वजह से लोगों ने मालकौंस जाना। हम लोग मालकौंस गाते ही रहते हैं और उसके बाद में लोगों ने कहना शुरू किया मन तरपत हरिदर्शन को आज गा रहे हैं। बिकॉज इफ यू आर सिंगिंग राग मालकौंस देन मन तरपत यू हैव टू सिंग इज द बेस्ट डिवोशनल सॉन्ग इन दैट रागा। रफी साहब जिस तरह से सुर लगाते थे, सुर ऐसा लगता था जैसे एक गूंज जो आती थी ना आवाज में, नाद जिसको कहते हैं, वो ऐसा मैंने किसी का नहीं देखा, बहुत कम लोगों का देखा। जिस तरह से सुर में राउंडनेस आती थी ना उनकी आवाज में, nuances if you hear about his singing, which my father used to always tell me, listen to this, how he sings. At the end of the line, whoever noticed, he doesn't break suddenly. He'll blend that line and you won't know when his voice stops and the orchestra picks up. You know, it just goes one into the other. The way he used to take this line where he has to give up and the other person picks up, that was typical of Rafi. हमारा तूने न जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। तेरे दौलत पर हम गए हो, ऐसी मैंने पूछा, आप हमें बताते हैं क्या क्या बात है कुछ कोई। तो हमीद साहब ने बात की, नहीं आपने सही पूछा, बात है। अब देखिए हमीद साहब उनके बड़े भाई कह रहे बात है, फरमाए कहते रफी साहब कह रहे हैं खयाम साहब से बोलिए मुझे कुछ बना दीजिए। एकदम शॉकिंग, मैं चुप कर गया। अब उनकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश को ठुकराया नहीं जा सकता। तो मैंने कहा रफी साहब बहुत मुश्किल काम है ये आवाज को बदलना। तो मैंने कहा देखिए रफी साहब, क्या आप भूल जाएंगे मोहम्मद रफी, आप भूल जाएंगे, आपको भूलना पड़ेगा। तो खैर वो झुकी निगाह से कहा जी। तो ये करने के बाद फिर हमने दो उनके लिए भजन बनाए, भजन तेरे भरोसे हे नंदलाल, तेरे भरोसे हे नंदलाल कोई रो रो बार निहारे। एंड एक गजल बनाई। अब देखिए आवाज का डिफरेंस इन्हीं में आपको पता लगेगा कि मैंने क्या उनको दिया और उन्होंने क्या लिया। गजब किया तेरे वादी पे एतबार, तमाम रात अलामत का इंतजार किया, जिस स्टाइल को गुलों में रंग भरे वो स्टाइल है, मैं कॉपी नहीं बोलता लेकिन स्टाइल वो लिया रफी साहब वाला जो हमने लिया। ये 54 में गाने मेरे नॉन फिल्म ये रिलीज हो गए, गजलें और भजन। एंड मेहदी हसन साहब का गुलों में रंग भर के आया 64 में, 10 साल का फर्क। तो उस कंपोजर ने कितना अपनाया हमारा स्टाइल, रफी साहब का स्टाइल। तब ये गजलें आ गई, उसके बाद पूरे यूनानिमसली यक जुबा होके म्यूजिक के जानने वाले, म्यूजिक के समझने वाले, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे रेडियो वाले, ज्यादा उस वक्त रेडियो ज्यादा था, टीवी कम था, तो उन्होंने यूनानिमसली कहा वर्सेटाइल मोहम्मद रफी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कभी कभी ये वर्सेटिलिटी ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाती थी। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब अर्ली 60s में रफी साहब ने जंगली की
याहू के गाने शुरू हो गए, बार बार देखो, डाली हो वगैरह, तो कहीं ना कहीं उनके स्टाइल भी उन्होंने इवॉल्व करने की कोशिश की, बिकॉज ही वॉन्टेड टू फिट इन टू वॉट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म एंड द सिचुएशन. तो मुझे याद है कि दो तीन बार मेरे सामने, मैं छोड़ रहा था 6-7 साल का, रफी साहब को मदन जी ने फोन पे कहा, अगर तुमने कल कोई याहू का गाना गाया हो तो तेरी रिकॉर्डिंग मैं कैंसिल कर रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद रखेंगे, तुम उस मूड से निकल जाओ, मेरा गाना सीरियस गाना है, मुझे इसमें वो अदायगी थोड़ी कम चाहिए. तो रफी साहब कभी कभी, लोग कहते हैं कि इतने मूड में आ जाते थे, इतनी एक्सप्रेशन देते थे कभी कभी, कभी कभी शायद लोगों को लगता था कि ज्यादा हो रहा है, तो उस वक्त थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ता था. तो वो म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में होता था कि कितना एक्सप्रेशन चाहिए कितना नहीं चाहिए. रफी साहब जितना एक्सप्रेशन दे सकते थे कोई सिंगर शायद नहीं दे पाता. गाना गाते वक्त एक दफा छुप के आसमान में जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैंने कहा रफी साहब ये शमी नहीं है. कह रहे कौन है? मैं कह रही जिंदर कुमार है गाना गा रहे. अरे साहब पता है पहले दस नसीना मैं तो शमी समझ के कर रहे को तो अड़ी पीछे से शमी हूं तो स्टाइल बदल गया. कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया. He will change according to the mood. He will change according to the actor. Will change according to the situation. कि गायकी का एक ऐसा असर था कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हीं चीज के लिए कोई पैदा हुआ हुआ हो और युगों युगों से वो ही गाता हुआ आया हो. भजन गाया तो जैसे कोई भजन ही गाने वाला है भाई धरती पे, इसको कुछ और नहीं आता हो. इतनी ईमानदारी, इतना शत प्रतिशत होगा. रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले. His forte in his singing was when he comes to the studio to learn the song, first question in the dance, who's singing in the picture? If Johnny Walker is singing, he will sing like how Johnny Walker would sing. सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए. मालिश दिल मालिश. He was one artist who was an ideal voice, expression, everything. You know, he was a complete singer. कहीं से उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि ये एक्टिंग एक्टिंग भी जानते होंगे, लेकिन उनके गाने में इतना एक्सप्रेशन था कि एक्टरों के लिए बहुत आसान हो जाता था अदा करना. लोग कहते कि आशा जी ने ओपी गर्गा ने ज्यादा अच्छे गाए, मैं कहूंगा रफी साहब ने ज्यादा अच्छे गाए ओपी गर्ग के गाने. यू लिसन टू ओपी गर्ग सॉन्ग इन मोहम्मद रफीज वॉइस, आपको रफी साहब ऐसे लगेंगे जैसे ओपी गर्ग साहब ही गा रहे हैं. हालांकि सिर्फ ओपी गर्ग ने, मैं तो कहूंगा कि हर एक के गाने में रफी साहब बहुत खूबसूरत सुनाई देते. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए. कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए. बहुत शुक्रिया. मैंने नैयर से कहा भाई के मुझे जो साइन लाइन है एंड में उसके ज़्यादा रेपिटेशन चाहिए. मैं कुछ सोचा हो नहीं 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 बोले वो बोर करेगा, बहुत रेपिटेशन हो जाएगा, बहुत टू मच हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. आई वॉन्ट टू बिल्ड अप टू समथिंग और डू समथिंग. नहीं 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 बकवास नहीं नहीं ऐसा पूरा ऐसा चाहता हूँ मैं कुछ करने वाला हूँ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस, आई वॉन्ट रेपुटेशन और मुझे चाहिए उसके क्रिसेंडो बिल्डअप होगा और एक पिच पे जाएगा. अच्छा कर देते मतलब मेयर नहीं मान रहा मैं मैंने क्या तो मैं बोलना क्या तू ठहर तू ठहरो मैं बोलना वो गए नहीं
वो यार क्या तकलीफ, क्या क्या तकलीफ हो रही है? वो करने वाला वो है, गाने वाला मैं हूँ, वो तेनों नजर की तकलीफ हो रही है। अभी अब ये लंबा पड़ जाएगा ये, वो यार बाद में अगर नहीं अच्छा लगा ना तो काट के फेंक देना। तो करने वाला मैं हूँ, गाने वाला मैं हूँ, कर देते हैं। Exactly what he did. And I told him what to do, build it up. And he did that. And that's exactly what happened. Super. And can you imagine when Nayyar saw it? And Asha Bhosle was there in the theater. यहाँ पे हम लोग फिल्म सेंटर में जब इसका ट्रायल देखा था, and he saw the song. He picked me up, गले सीने से लगा लिया, चूमा मुझे. Wow. देव करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बनाया। Nobody in the industry vocally has been able to interpret music the way Rafi saab. I mean, there are certain nuances you hear in a song which you feel ke how could the man have imagined that kind of a murki or stuff, you know, which he puts into that song. यही यही बैठ के सर सब गाने बनते थे, अगर मतलब रिहर्सल होती थी और उनके गानों में तो क्या था कि जो भी उठा के देखे गाना नीलकमल को पुकारे मेरा प्यार, जिसको पुकारे मेरा प्यार, हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आ जा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने सारे आर्टिस्ट को मैं, ये 55 साल मेरे को हो गया, इतना सारे आर्टिस्ट को मैंने गाते हुए देखा, उनका इसको बोलना चाहिए वॉइस मॉड्यूलेशन, वो वॉइस को जैसा चाहते थे ऐसा कर सकते थे, हाई पिच बोलो, शार्प बोलो, मिलो बोलो, बेस बोलो। इसी रफी साहब हैज सच ग्रेट एक्सप्रेशन इन हिज वॉइस दैट इट चैलेंज द एक्टर इन मी टू ट्राई एंड यू नो परफॉर्म इन हिज वॉइस। There was so much of depth, there's so much of feelings in his voice that, you know, when you close your eyes and just hear the lyrics and just hear the song, it meant a lot, which is not there anymore in these times. सच कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोल तुझी बुलाता मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। वो हमेशा वक्त से पहले आते थे रेशन के लिए, एक घंटा पहले आते थे, और फिर वो अपने जहीर साहब जो थे इनके साले कम सेक्रेटरी, वो गाना नोट करते थे, लिखते थे। रफी साहब कभी लिखते नहीं थे, वो जहीर साहब लिखते थे, और वो मोटे फेल पेन से लिखते थे, तो रफी साहब को पढ़ने में आसानी रहे। वो कहते थे कि मैं एक रात उस गाने के साथ कम से कम रहना चाहता हूँ जो मुझे कल रिकॉर्ड करना है, और ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी। मैंने हमेशा मार्क किया ये बात, रफी साहब खुद अपना जो इनोवेशंस थे वो ज़्यादा नहीं उसका थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर ने पोज किया वो ही डिक्टो उड़ाते थे। वो आते थे स्टूडेंट बनके सामने मिजाज के सामने बैठते थे, और जो मिजाज सिखाता था बच्चे जैसे सीखते थे, उनको मालूम था मुझे ये गाना है मुश्किल है, जब तक मैं सीधे नहीं स्टूडेंट बन के गाऊँ तब तक मुझे आएगा ही नहीं गाना। इतने सिंसियरिटी से आते थे, जब अगर रफी साहब ने कहा कि 10 बजे आएंगे तो 10 बजे अंदर पहुँच ही गए, उसके बाद कहीं नहीं जाना है जब तक काम नहीं खत्म होना है। डेडिकेशन, शर्म कॉन्शियसनेस, व्हाट आई एम डूइंग इट शुड बी राइट, एटलीस्ट आई ट्राई टू बी राइट।
देखो वो गाना जब भी रिहर्सल करते थे तो एक टेम्पो होता गाने का, उसे हाफ टेम्पो में पहले वो रिहर्सल करते थे और उसमें समझ लेते थे कि भाई यहाँ पे परदेसी यो ओ इतना ही करना है कि करना है उतना लिख लेते थे, ध्यान रखते थे, और फिर जो वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है वहाँ एक नीचे लाइन डाल देते थे ताकि उसको एम्फेसाइज कर सकें। परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। मुझे दो तीन गाने खास याद है जो हम रिकॉर्डिंग पे गए थे, ये दुनिया ये महफिल में काम की नहीं, फिल्म हीर रांझा का गाना है, बहुत चला था, बहुत लंबा गाना है और सब म्यूजिक सब साथ में रिकॉर्ड हो रहा था, म्यूजिक पीसेस इतने लंबे थे कुछ 8-9 मिनट का गाना, लेकिन बार बार रिकॉर्ड होता था क्योंकि अगर एक म्यूजिशियन एक गलती कर रहा है तो पूरा गाना फिर से सिंगर को गाना पड़ता था। तो रफ़ी साहब थोड़ा थक रहे थे, थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे, लेकिन स्माइल करते करते, क्योंकि रफ़ी साहब सारा टाइम स्माइल करते, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। खिलौना नामक एक फिल्म थी, खिलौना, इनका जो मेन सॉन्ग है तो सॉन्ग की रिकॉर्डिंग होने वाली थी, तो इससे पहले वो किधर आगरा में गए थे, ऐसे थे वो बोले आई वॉज इन आगरा एंड आई हैड एग्जेशन, बहुत एग्जेशन हो गए और इनको ऐसी नींद आती थी, तो मैं बोला कि साहब आपको नींद आती है क्या, तो वो बोले कि एग्जेशन बहुत हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, तो आई एम नॉट ए डॉक्टर आई कैन सजेस्ट इट, तो मैं ऐसा ही बोला कि हम लोग चाय पियेंगे, तो दो तीन टाइम 4-5 टाइम हमने चाय पिया और ये होने के बाद जब ही स्टूडियो आ गए उठाया मैंने उनको और थैंक यू बोले, वहाँ अंदर गए और उधर गए तो उधर के सब म्यूजिक डायरेक्टर ने सब अटेंड किया, जो उनका रिकॉर्डिंग भी होने वाला था, तो अचरज की बात ऐसी थी कि ही टुक दैट स्क्रिप्ट और इनका नज़र इतनी अच्छी थी कि वन टाइम इफ ही सीज दैट स्क्रिप्ट ही विल रिमेम्बर फुली, ऐसे बार 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 ऐसे नहीं देख सकते, एक टाइम ऐसे बोलेंगे देखेंगे ही यूज टू गेट दिस आइडिया दैट वी आर ऑब्जर्विंग। एंड गाना चालू हो गया, गाना चालू होने के बाद ऐसे बैठे थे, हेडफोन लगाया था, इनको नींद आ गई, वी वेर आउटसाइड इन बिटवीन देयर वाज ग्लास एंड वी वेर सीइंग हिम और हम देखते थे और इनको ऐसे नींद में वो गाना गाते थे और बाद में इन बीच में थोड़ा म्यूजिक भी है, इन बिटवीन देयर इज लिटिल ट्रैक, म्यूजिक ट्रैक है, उसी टाइम इनको थोड़ी कल्पना आती थी, चुप रहते थे और बाद में फिर से बात गाना गाते थे मीन्स, और जब भी इनका खत्म हो गया तभी वो एकदम ऐसे गिर गए, मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट ही हैड सो मच कंट्रोल। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। He contributed so much to our work with his singing. I have had very fortunate experience to have some lovely songs to have sung with him, and I think that's a blessing to me and to my career that he gave me. And his humility is well known. He was so humble.
I was a newcomer when he sang for me, and he called me to see him, and he said, do you want me to add anything or remove something, or how would you like me to express this line that you're saying? And I said, please sir, do whatever you want, just do it the way you want, that will bless me a lot. He was very affectionate, you know, a very soft man, very affectionate man. And once I remember I had gone to one of his recordings, I can't remember which film or which song it was. And I was watching him from the corner, you know, seeing him singing a song. And then he saw me. This is probably the first time we met professionally or whatever. And he called for me, and I can't forget, you know, he blessed me and he said, tum bahut pyare tarike se gaate ho mere gaane. जैसे मैं लाले के लिए गाता हूँ और शमी के लिए गाता हूँ, तुम पे भी बहुत सूट करता है. लाले मैंने दिलीप साहब, तुम पे भी बहुत जचता है, मेरी आवाज़ बहुत जचती है तुम पे. तो आई वाज सो थ्रिल्ड, यू नो. सो दीज वर्ड्स हैव रिमेंड विद मी, यू नो. दीज आर अनफॉरगेटेबल वर्ड्स फ्रॉम, यू नो, द विजडम ऑफ द ग्रेट रफी. मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ गायकी में जो किसी और के हृदय की उद्गारों को अपने द्वारा प्रदर्शित कर पाया, परंतु इतना ईमानदारी से कर पाया और इतना ज्यादा उसमें मेरे मालिक ने रोशनी डलवा दी कि जो जिसने सोचा उससे कहीं बड़ी बात करके गया वो हर गाने. वो सिचुएशन के साथ तो वो गाना बहुत एप्ट लगा ही, लेकिन उसके अलावा जब आप रेडियो पे, और वो भी रेडियो पे भारत भूमि में नहीं, अब वो गाने अगर भारत की धरती छोड़कर जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को पार करने के बाद यदि आप वो सारे गाने सुने, तब आप बौखला जाएंगे कि हे मेरे दाता, मुझे कौन झकझोर रहा है. तो ही वॉज द सेंट जो आपको भवसागर पार करने के तरीके बता देता था, बस कानों के थ्रू. वो ध्यान कराता था कानों के थ्रू कि भाई अपना कान खोल लो और ध्यान खोल लो, मैं आया हूं तुमको मुक्ति देने. बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए. लाहौर में इत्तेफाक की बात है कि जब हम सारे खड़े हुए थे, मैं हाजी साहब के बिल्कुल सामने आमने खड़ा हुआ था. मैं उन्हें देख रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे गुजारिश की कि उनका रंग ऐसा था जैसे खुरमानी होती है. इतने में क्या होता है कि देखता हूँ कि एक बड़ी लाल रंग की बड़ी शेवर गाड़ी आई है, उसमें मैडम नूर जहां भी है और उसमें पापा अलाउद्दीन भी है और रेडियो के कुछ लोग थे, उस वक्त टीवी नहीं था. तो मैडम नूर जहां ने उतरते सार ही बड़े एक अंदाज में कहा कि मेरा वीर आया, पंजाबी में कहा कि मेरा भाई आया, मेरा वीर आया. उन्हें बस अपने वो बाजुओं में लिया, इसके बाद गाड़ी में बिठाया और शाहनूर ले गए. मैंने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था, रफ़ी साहब का ट्रिब्यूट था वो. जब मैंने नए सिंगर्स को कॉल किया और उनसे कहा गया कि आप रफ़ी साहब के गाने सुनाइए, तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि जो नए सिंगर्स हैं, न्यू जनरेशन है, वो रफ़ी साहब को बहुत शौक़ और बहुत प्यार से गाते हैं. और आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि आजकल बहुत न्यू म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक का दौर है और लोग पॉपुलर म्यूज़िक यहाँ पे यंगर जनरेशन ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन हमारे यहाँ जो न्यू टैलेंट है वो लोग रफ़ी साहब को एक उस्ताद, एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं. मेरे ख्याल से रफ़ी साहब बादशाह हैं फील के मामले में. रफ़ी साहब जैसी फील आज तक ना किसी की हुई है, मुझे नहीं लगता किसी की हो पाएगी. दैट्स व्हाई मैं रफ़ी साहब के गाने को प्रेफर करता हूँ, उनके गाने गाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि वैसे ही गाऊँ, और क्यों गाऊँ उसकी वजह यह है कि उनके एक्सप्रेशन, उनके फेड इन फेड आउट, उनकी फीलिंग्स, उनकी डिलीवरी, हर चीज़ बहुत कमाल थी. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम आज दुनिया में किसी कोने में जाइए, हम तो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं. जिस कोने में जाइए, कोई जात पर धर्म की बात नहीं, उस आदमी का चाहने वाला इतना आप सोच भी नहीं सकते. एक बार की बात है कि हम लोग जा रहे थे
केरल हम लोग जा रहे थे, यहाँ से हम लोग बैंगलोर गए, बैंगलोर से हम लोग बाइक कार जाने वाले थे, और हमारी ही फ्लाइट में हेमा मालिनी, नवीन निश्चल, रेखा, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे बड़े टॉप स्टार्स हमारी ही फ्लाइट में थे। और मैंने वहां पर ये देखा कि लोग जो है इनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन सारी की सारी पब्लिक जो थी, रफी साहब आ रहे पता चल जाता था लोगों को, तो सारे के सारे रफी साहब के पीछे भाग रहे थे। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। ये ऑल इंडिया रेडियो है यहाँ पर, मरीन लाइन्स पे। So they were coming down, both of them. And दोपहर को रिकॉर्डिंग थी रफी साहब की वहाँ पर, and they were both coming down. And by then my father had come to college, you know, started attending college. So some other college students recognized, I think this is Mohammad Rafi, that singer. So they said, yeah, yeah, yeah. So they all came there with their books, you know, school books, came to take the autograph. Rafi saab autograph, Rafi saab autograph. So Rafi saab bade प्यार से मेरे डैडी के अंदर की कहते हैं, तो मैंने कहा भाई थोड़ा दस्तखत मंग रहे हैं, थोड़ा ऑटोग्राफ। अच्छा, तो उन्होंने ना पेन दे दिया था रफी साहब के हाथ में, तो रफी साहब ने वो पेन लिया, उसको ऐसे दुआ दी, बोला चल तू ही साइन कर दे। तो माई फादर इज टू साइन महेंद्र, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ ना, तो मेरी रेंज तो है जरा कम है और उनकी आवाज ज्यादा है, मतलब तो मैंने कहा रफी साहब थोड़ा इसको कम कर लूं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो कम कर लिया, तो भी कुछ भी नहीं बोले। और कभी किसी की तरह बस यूं हम गाते रहते थे, और कभी यहाँ उठा के नहीं देखा, बस यूं करते रहते थे। गाना पसंद आया ना, बस कभी भी नहीं। इस कदर शराफत में मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने तो नहीं देखा। मुझको अपने गले लगा लो, है मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। रफी साहब की एक बात खास थी कि बड़े बहुत शरीफ आदमी, उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज थी, जो मंद्र से लेके तार सब तक जहाँ उनको आप ले जाए वहाँ ऊंचे जाते थे। रात के हम सफर सबके घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। He was a God-fearing person. He used to believe in that. Whenever person used to come to a recording studio and used to praise that, कि वाह रफी साहब आपने क्या गाया, तो he used to say no. This, I mean, he was like, you know, in such a manner he never used to say anything. He used to just react. मैंने एक चीज महसूस हमेशा की है, ये इंसान की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। मेरी फीलिंग्स ये थी कि जब जब रफी साहब स्टूडियो में आते थे, मुझे लगता था कि उनके साथ कोई आ रहा पीछे। अच्छा। ये मुझे हमेशा लगा, ये क्यों लगा ये मैं आज तक नहीं बता सकता, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि जब रफी साहब आते थे कोई कुछ उनके पीछे आता था। क्या आता था ये मुझे पता नहीं, हो सकता है इससे मेरी फीलिंग हो, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करता था। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में याद छोड़ जाता है। रूहानियत उनकी आवाज में एक रूह, ऐसा लगता था कि ये तो कोई रूहानी, कोई ऊपर से, वो अवतारी थे, वो तो अवतारी थे। मुझे तो लगता है कि वो
वो अल्लाह ने उनको गाने के लिए ही भेजा था। Whenever I listen to रफी साहब, I always feel, you know, कि ये खुदा की आवाज होगी। रात को रफी साहब का एक गाना सुनता हूँ ना, मैं शांत नींद लग जाती मुझे। आपका इतनी पावर किस में हो सकती है जिसमें कुदरती कोई दैवी शक्ति हो कि वो आपको गाना हंसा भी सकता है, आपको रुला भी सकता है, आपको डांस भी करवा सकता है, आप रो रहे हैं तो आपको हंसा सकता है, आप हंस रहे हैं तो आपको रुला सकता है, ये कौन कर सकता है? तो ये क्वालिटी ये इन प्लेबैक एक चंद चार पांच प्लेबैक सिंगर्स में थी, और रफी साहब मैं कहता हूँ सबसे ऊपर थे। मैं क्यों? क्योंकि आप उनके हर गाने में देखिए ना, एक डिवाइन वो एक टच था, मतलब लग नहीं रहा था कि एक इंसान गा रहा है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, उनके कोई भी एक सुर भी लग रहा है कि वो गाते हुए उनका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर वाले से हो रहा है। अच्छा गाना गाना, हर किस्म के गाना गाना और एकदम दिल से गाना, तबीयत से गाना, वो डेडिकेशन, वो ऑनेस्टी, वो हार्डवर्क, प्रोड्यूसर के दुख दर्द को समझना, डायरेक्टर को समझना, म्यूजिक डायरेक्टर के दुख दर्द को समझना, राइटर के दुख दर्द को समझना, लोगों से प्यार करना, ये वो भगवान फरिश्ता नहीं तो और क्या है। मोहम्मद रफी साहब के लिए यही कहा जा सकता है कि डाउन टू द अर्थ, नहीं अर्थ के नीचे ही घुस जाते थे। और मैं पहले यूं तौबा कर लेता हूँ कि मुझे एक ही बार साबिका हुआ और वो इतने झुक के उन्होंने हमें नमस्कार किया कि हम ऐसा लगा कि हम क्या है, हम तो पानी में गिर गए। मुझे इतना बड़ा आदमी और इतना झुक जाए, तो वहां से हमने जाना कि इज ए ग्रेट मैन। गाने में तो जान ही लिया था, मगर जिसको वृत्ति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, लाजवाब, दैट्स व्हाई ही वाज ए ग्रेट सिंगर। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। बोलते थे रफी साहब कि महिंदर क्या भरोसा मेरा, आज मोहम्मद रफी करते हैं लोग, कल को मैं उठूं और मेरी आवाज मेरे साथ मेरा साथ न दे तो क्या ये कहेगा मोहम्मद रफी, पर कौन याद करेगा मोहम्मद रफी को? तो डैडी कहते पाजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? कहते नहीं ये फैक्ट है, और ये आवाज जो दी हुई है उसकी दी हुई है, कहते हमारा हक नहीं है इसके ऊपर। अगर हक से आदमी ठीक होता तो हर एक को रियाज करके कितने मोहम्मद रफी बन जाते हैं यहाँ पर, कितने महेंद्र कपूर बन सकते थे यहाँ पर, कितने लता मंगेशकर बन सकते, कोई उनके नकलची आ सकते हैं, लेकिन वैसा बन नहीं सकता। You cannot have another like that. ये तो उसकी रहमत, उसका करम, तुम्हारी मेहनत, this is what they should say. I have not heard Rafi saab speak ill of anybody. No, not one person has talked to me. Every the whole industry we bitch about each other, no, behind the back. But 18 years he was here next to me and quite close. No, not once I didn't talk against anybody. No, not bitching about anybody at all. No, he was like a gem. No, absolutely. You know. Like we can call it what, like a saint of music, you know, except music he didn't know much anything about else also. एक चीज उनके बात खास रही है कि उन्हें लाइफ में कभी भी लिया नहीं किसी से, सबको दिया है। ये तो मैं हमेशा उनके लिए, ये मतलब आज कंपोजर भी हैं, कोई भी कंपोजर है जो गाना कंपोज करता है उसका उसमें जो चार चांद लगा देते हैं, वो जो गिफ्ट और उनका आशीर्वाद और वो गाना, उनकी आवाज़ जो हमको मिल जाती है, वो हमारे लिए समझिए एक बहुत बड़ी सौगात। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। He never had a feeling of projecting himself over anybody else. He always had the amount of humility that he had is something another human being at his level cannot possess. मैंने उनको बात की कि भाईजान बात यह है, भाई तो हम सके भाई,
लेकिन बात यह है कि जब आप सुर लगाते हैं ना, जैसे वर्मा ना किसी के अंदर यानी कर कर जाता है ऐसे ही, ऐसी आवाज खुदा की कसम मैंने कि जो तू आपने मना दी कि थ्रू आउट क्वाली हुई है ये इश्क इश्क है, उसमें आपने दरबारी की आवाज लगाई है, दुनिया सो गई सारी। कहने लगा यहां से मैं बात करता हूँ, कहकर मुझे जो सुर लगाना नहीं आता। मैं कह सुर लगाना नहीं आता, कहते हैं मैं अभी सीखता हूँ, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है मुझे बताते हैं मैं सीख रहा हूँ। हाय हाय कैसी बात है, अपने आप को उसने ये नहीं कहा, यहाँ तो ये है एक गाना हिट हुआ तो मैं मोहम्मद रफी बन गया। एक्चुअली रफी साहब बहुत शौक थे, शरारती थे बहुत, लेकिन वो चीज उनकी पब्लिक के सामने नहीं आ पाई, क्योंकि पब्लिक के सामने बहुत सीधे साधे शांत रहते थे, लेकिन जब बिल्कुल क्लोज सर्कल में रफी साहब मस्ती भी करते थे। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझे तो दिखाई गई है। साईं बाबा बोलो, विच टिल डेट इज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, एंड what was really really amazing about him that in spite of being at the pinnacle of success, you know, he was such a down to earth person, and you could barely hear him even talk. He talked so softly, and then of course being a novice, I ran out of the cabin where we were singing, you know, because I wanted to just make sure, like, I mean, a person who's singing so softly on the mic, how would he be sounding on the microphone, like inside? And I was shocked because he sounded like a lion. His voice was, you know, everywhere. And that showed his professionalism and how well he modulated his voice. जब मैं मिला उनसे तो उनका आशीर्वाद दिया, मैंने पैर छुआ, बोला रफी साहब मैं पता नहीं गा पाऊंगा कि नहीं आपके साथ आज, क्योंकि मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना ही मैं नर्वस भी। तो रफी साहब मुझे देखे और बोले कि मैं भी आपकी तरह आया था मुंबई, और मैं भी कोर्स में गाना स्टार्ट किया था, तो आपको तो अल्लाह ने डायरेक्ट दो लाइन गाने का मौका दिया, दी तो कमाल की बात है, और आप दिल से गाइए, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा गाओ, और मेरी दुआएं हैं आपके साथ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली था, I had the privilege of working with रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब, मैंने कुछ 10-12 गाने गाए उनके साथ। ये मेरे जनरेशन में उतने सिंगर्स उनके साथ गा नहीं पाए, मैं I was the lucky one। एक ऐसे इंसान थे जो मैं हर आजकल हर नौजवान को मैं ये बोलता हूँ, ऐसा इंसान बनो रफी साहब जैसा। वॉइस काफी लोग गाना गाते हैं लेकिन इंसान ऐसा नहीं होते। मोहम्मद रफी इज अ वन एंड ओनली। आसमान से आया फरिश्ता गाना था सुना, चक्कर खा गया।
तो ऐसी जगह जो मैंने नहीं सोची थी वो रवि साहब मिली। मैं रवि साहब के पास गया, मैं रवि साहब के पास गया और मैंने पूछा कि मैं तो था नहीं वहां पर, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप यहाँ पर ये ऐसा करें और ऐसा करें और ऐसा करें। ओ यार पापा, मैंने सोचा कि एक गाना किसका जी, इवनिंग पैरिस में कौन गा रहा है जी, कुछ है जी शमी कपूर गा रहा, तो शमी कपूर गा रहा, मैंने सोचा कि ओ शमी कपूर का एक नंबर अच्छा मार रहा है, एक दिन रफी साहब रात को करीब 11 बजे मेरे घर आ गए, इतने सारे गिफ्ट लेके आए, कहता बहुत मुबारक भाई। तो मैंने कहा रफी साहब क्या है, किस खुशी में? बोले मियां मैं अमेरिका में शो में गया था और वहां की सारी पब्लिक चीख रही है कि गाना सुनाइए तेरी गलियों में रखे कदम आज के बाद, और मेरे पास गाना नहीं, उसके नोटेशन नहीं, मेरे कुछ याद नहीं, ट्यून भी भूल गया। तो पब्लिक माने नहीं, तो उन्होंने फिर अपने सेक्रेटरी को बोला कहीं से जाके, ये वो छोटी डिस्क आती थी पहले, उन्होंने मंगवाया, उसको सुना, रिहर्सल किया एंड ही सैंग दैट सॉन्ग देयर, एंड क्या जबरदस्त पब्लिक ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उस गाने की, तो आके जो तारीफ किया एंड इट वॉज रियली टचिंग सिचुएशन। आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। वो नाइट शो था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया, तो रवि साहब अपनी फैमिली के साथ भी आए थे, तो देखा कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं इंटरवल में, तो मैंने कहा सोचने लगा भी एक सिंगर है, वो अपनी आवाज़ का इतना वो हो जाता कि मैं ये खाऊं ये नहीं खाऊं या यू नो ठंडी चीज़ नहीं। मैंने कहा कि आइसक्रीम खा रहे थे इंटरव्यू में, तो मैं देखा तो मैं कहा कि अभी कैसे कहूँ कि जो आदमी आइसक्रीम लेके आइसक्रीम खा रहा है उसको जाके कहूँ हेलो अच्छा अच्छा नहीं था, तो मुझे लेके कहने आ जाओ, तो मैं गया भाई इनके लिए भी एक आइसक्रीम दो। मैंने कहा रवि साहब आइसक्रीम यही तो मेरा फेवरेट है, आई लव आइसक्रीम, तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक इंसान जो है इतनी अच्छी आवाज़ और कोई परहेज नहीं। रफी साहब वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स, जब फैमिली रिलेशन हो गए ना तो उन्होंने फोन करना, मैं इधर रफी साहब ने बीजी कर रहे हैं, तो बोला मेरी बात करा, तो ही यूज्ड टू टॉक टू माय ग्रैंड बीजी ने कहा हाँ जी रफी साहब, बोला जब पूड़ी छोले खाते दिल कर रहे, लस्सी पीते दिल कर रहे, हम आ जाए, बोरे कमाल है निकी, आप आओ मैं तैयार रखती हूँ, कितने बजे आओगे बताओ, बोला आप जो है। उन्होंने दोपहर के वक्त अमीर भाई ने रफी साहब ने आ जाना पूरी लस्सी और छोले वगैरह, क्योंकि मैं ग्रैंडमदर वाज अ लवली कुक, तो उन्होंने आना दोनों भाइयों ने अमीर भाई ने और रफी साहब ने, तो हॉल रूम में बिठाना उनको पहले डायरी में कि आ जाओ भाई आप बैठो, मैं बीजी को बोलता हूँ, तो बीजी ने कढ़ाई बनानी होती मतलब यू नो लस्सी उसी, नमस्ते रफी साहब नमस्ते, तो माई ग्रैंड पेरेंट्स बोथ वुड कम एंड बस खाना आ रहा है आपके लिए गरम गरम, बोला हाँ जी हाँ जी। तो अमीर भाई से रफी वो यार हम ऐसे खाएंगे, हम इतने बेअदबी हैं, जस्ट इमेजिन ना, यूज टू कॉल माई ग्रैंड पेरेंट्स, उनको सोफा पे बिठा देते, नीचे चटाई बिछती थी, रफी साहब सिट ऑन द फ्लोर विद द हारमोनियम एंड से बताओ बीजी कौन सा भजन सुनेंगे आप, मैं आपको भजन सुनाऊंगा। तो हमीद भाई से रफी बेटा दुआ ले इनसे, इनसे पहले ब्लेसिंग्स ले, इन्होंने तुझे बुलाया है, तू खाएगा पिएगा इधर सब कुछ, पहले इनकी ब्लेसिंग्स ले। तो he used to sit down, he used to sing for my everything, and gana aisa, all are crying. My grandfather is crying, my grandmother is crying. He had a voice which was something else. I cannot even describe it. That's what my father used to say. Chaudhvi ka chand ho, ya aftab ho, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो।
अगर उन्होंने मुझे देख लिया रिकॉर्डिंग में और उन्होंने देख लिया भूपेंद्र सिंह जी को रिकॉर्डिंग में, तो उनका ये काम होता था कि वो गाना गाते गाते अपने सेक्रेटरी को बुलाते थे, जो उनका साला था, जहीर को जहीर, उत्तम भी है, भूपी भी है, चले जाओ या ड्राइवर भेज दो। तो हमको पता होता था कि आज रफी साहब आए हैं तो हमारी दावत है। तो दावतें खास ये होती थी कि वो ड्राइवर को भेजते थे, ड्राइवर जाके वहां से मालपुए और हलवा और पूड़िया ये लेके आता था और हम तीनों बैठ के खाते थे, उसमें चौथा आदमी कोई नहीं होता। वो ऑर्गेनाइजर को पहले बोलते थे, देखो ये मेरे म्यूजिशियंस है, ये जब तक ठीक से नहीं काम करेंगे मैं कुछ नहीं हूँ, इनका बगैर मैं जीरो हूँ, तो आप मेरा फिक्र करना छोड़ दीजिए, म्यूजिशियन लोग को जरा ध्यान दीजिए, इनके बराबर रहने का जगह बराबर है, यानी इनकी खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और जब तक अपना खाना हम लोग नहीं खाते तो वो खाना नहीं खाते थे। We were in Madras that time, na? We were there for Chitragupta's recording. Mm-hmm. And that Rafi Saab was singing. The Rafi Saab was there, and in the morning, something went wrong. His brother, which we were staying, na? He told him, Rafi Saab, try this. Rasam is very good. Rasam is very popular there. He drank rasam, and in the morning, his voice was gone. So he felt so bad. He came to the studio, apologized to all the musicians. He says, first time in my life, my gana cancel over mere liye. मुझे माफ कर देना। अरे ऐसे रखो, क्या हो गया इसमें, एक दिन कैंसिल हो गया था। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग तो एवरी मंडे कैंसिल करते ना। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। उनके पहनने का शौक कारण ये था कि जब कभी हिज का जमाना आता था तो नवी दुकान पे आते थे, बैठते थे और चाय पीते थे, और ये कहते थे कि भाई मेरे लिए मोरली नोड़ा के दे दो भाई। तो मैं छह पंक्शन उनके लिए खास मोरली जरी के काम की चांदी की बगा दिया करता था। तो वो नमाज पढ़ने जाते थे तो उनका लिबास था वाइट शेरवानी जरी की, वाइट मोजड़ी और चूड़ीदार पजामा और वाइट टोपी, वो गोल्ड का हाथ में, एंड दिल्ली से वो गोल्डन पैर में वो चप्पल, ऐसा पीछे से मोजरी टाइप का, ऐसा इतना स्मार्ट वो आदमी था, देखने में छोटा थोड़ा फैट, लेकिन जब वो जाते थे ना उसका एक अलग ही वो था पर्सनालिटी। वो ऑलमोस्ट हर साल जब वो बाहर जाते थे लंदन स्पेशली, या उनकी तो एक गाड़ी थी अपना शेवरलेट इंपाला ब्लू कलर की, वो जमाने में सबके पास शेवरलेट होता था, प्लस उनके पास दो फियाट गाड़ी और थी जो घर के काम में यूज होता था, तो हर साल जाके उन्होंने गाड़ी का कलर लेके आते थे और हर साल गाड़ी नया कलर चेंज होता था, एंड दोस कलर वर वेरी पिक्यूलियर कलर, वो आपको दूर से भी पता लगता तो ये रफी साहब का गाड़ी है, कलर लाइक पिंक, लाइक लाइट ग्रीन, जो सब मोस्टली नॉर्मल मतलब फियाट गाड़ी में नहीं देखा जाता, वो ऐसी कलर उधर से इम्पोर्टेड कलर लेके आते थे और हर साल गाड़ी का कलर चेंज करवाते थे, और हम लोग को दूर से देख के पता लगता तो ये जो फियाट है सामने वो रफी साहब का फियाट है। बट ही वाज ऑलवेज वेरी फ्लैम्बॉयंट व्हेन ही ड्रेस्ड ऑन द स्टेज एंड ऑल, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन शंकरजी कृष्ण स्टार्टेड देयर पार्ट ऑफ द शो, रफी साहब वाज इनवाइटेड ऑन द स्टेज एंड ही केम, द फर्स्ट सॉन्ग ही सैंग वाज बदन पे सितारे हुए, बदन पे सितारे लपेटे जाने तमन्ना कहां जानी, तो आई स्टिल रिमेंबर that it was, I think, either Sharmila Tagore or Vijayanti Mala, who was the heroine of the film. It was a planned entry, but she would come on the stage at some point, and Rafi Saab would sing to her. So I still remember that when she walked onto the stage, you know, Rafi Saab could whistle, and he was so pompous, he was so flamboyant, he was such an extrovert, that one could not ever believe that Rafi, one is, you know, lived in a shell. Could really sort of express himself so very openly and so very loud. But that was him. And that's the reason why he made such a fantastic play, I think. Because when he wanted to get into that mood, he could get into that mood so very easily.
मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। सरा जम के भैया मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनर या उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। He was a performer. He had two sides to his character. The moment he went on the stage or before the mic, he used to change himself. Then he was not Mohammad Rafi. The shy person. बिल्कुल आस्ते से बात करेंगे, बट ये बस निश्चित रहता है रिकॉर्डिंग जल्द सो बहुत नाराज हो जाते तो आस्ते से आधी गाली दे देते, आधी सी गाली पूरी गाली नहीं देते, आधी बोल के इसकी बोल के रुक जाते थे, तब हम समझता है क्या बोलना चाहते हो। तो ये उस दैट का मेरे पास आई कुडंट बिलीव दैट व्हाट माय फादर व्हाट ही इज इन द हाउस ही वाज सम डिफरेंट पर्सन ऑन द स्टेज वेरी लाइवली एवरीबॉडी पब्लिक द ऑडियंस वाज टू एंजॉय एंड आई जस्ट सॉ इन अमेरिका people like jumping on the stage and dancing on the fast songs and all that was very nice for me like aaj kal tere mere pyar ke charche har zaban par sabko malum hai aur sabko khabar ho gayi aaj kal tere mere pyar ke charche har zaban par sabko malum hai aur sabko khabar ho gayi Rafi Saab was a simple person, didn't get involved in too many of these meetings. And Lata Ji was suggested by all the other singers, all these big names, to fight for the cause of royalty. Because they had realized, these singers, ki gaane, unki contribution itni zyada thi un gaano mein, ki unko to kuch milta hi nahi tha. 600 rupay, 1000 rupay gaana gaake unhe chale gaye. तो लता जी ने फिर ये क्रूसेड शुरू किया पूरे सिंगिंग कॉम के लिए कि सिंगर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अब रॉयल्टी अगर आप लेंगे, रॉयल्टी लेने के लिए फिर शायद आपको अपनी इनिशियल फी कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपको सब लोग गाना 1000 रुपए मिलता है विदाउट रॉयल्टी, तो आप फिर 500 लेंगे और फिर उसके बाद रॉयल्टी लेंगे नेचुरली। तो रफी साहब और उनकी जो सेक्रेटरी थे जहीर भाई, जो उनके ब्रदर इन लॉ भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हमको जो मिलता है शुरू में वो ज्यादा ले लो, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मालूम, क्योंकि रॉयल्टी पर आपको तो मिलनी होती थी रिकॉर्ड कंपनी से बाद में ऑन सेल्स, वो सालों बाद मिलती थी। तो रफी साहब ने नहीं अग्री किया, और रफी साहब क्योंकि सीनियर इतने बड़े नाम थे तो ये थोड़ा मतभेद का एक इश्यू दोनों में हो गया। और रफी साहब ने कहा फिर हम मैं साथ में हम नहीं गाएंगे, लता जी का मैं भी आपके साथ नहीं गाऊंगी। तो ये 63 में जब हुआ तो म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि तब तक ड्यूएट्स बहुत होते थे, और फिर कई गाने जो जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री हो गई है, जो डुएट इंटेंडेड थे वो फिर टैंडम्स बन गए, मतलब कि मेल्स वर्जन अलग होता था और फीमेल वर्जन अलग होता था ताकि उनको साथ में ना गाना पड़े। ऐसे कई गाने हैं जो ओरिजिनल डुएट्स थे, लेकिन एनीवे वो तो हिस्ट्री हो गई है। और फिर इस दौरान जो गाना रफी साहब के बगैर कोई नहीं गा सकता था, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर के परसेप्शन में, फिर उसमें लता जी को ना बुला के अलग जो फीमेल सिंगर्स ऑप्शंस उस वक्त थी वो ज्यादा उन्होंने डुएट्स गाए। और जो लता जी के लिए बहुत जरूरी गाना था वो ज्यादा अच्छा गा पाएंगी, तो उनकी वजह से महेंद्र कपूर जी को बहुत चांसेस मिले उस वक्त, मुकेश जी को नॉन राज कपूर में फिल्मों के बहुत चांसेस उस वक्त मिले, मन्ना दे ने लता जी के साथ बहुत डुएट्स उस वक्त गाए। तो ये इसकी वजह ये थी कि दोनों ने साथ में नहीं गाया। जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। फिर बहुत जब लोगों को मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त म्यूजिक बहुत पॉपुलर होने लगा, लेट 60s की बात है, तो कई लोगों ने जाके उनको बहुत साल मनाने की कोशिश की, प्लीज साथ में गाइए, लेकिन जिद पे थे दोनों, अपने अपनी जगह नंबर वन थे तो ये बात हो नहीं पाई। मेरे को याद है एक इवेंट था एस डी बर्मन नाइट, षणमुखानंद हॉल में 1967,
और मदन जी उसको कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि मदन जी बरमंदा के बहुत बड़े फैन ही नहीं थे, उनको बहुत मानते थे। मदन मोहन जी और नरगिस जी उस शो के कंपेयर थे, और उस शो में रफी साहब अपने सोलोस गा रहे थे बरमंदा के गाने। ऐसी नाइट्स बहुत कम होती थी। शर्मा खान हॉल चौकर ब्लॉक फुल था, मैं अपने पिताजी के साथ गया, मैं 10 साल का था, और लता जी अपने सोलोस गा रही थी, मन्ना डे गा रहे थे, मुकेश जी गा रहे थे, तलत महमूद साहब गा रहे थे, सारे अपने अपने सोलोस गा रहे थे और ज्यादातर सोलोस थे उस वक्त। एक बार कंपेयर दोनों थे, मदन जी और नरगिस जी, उन्होंने फिर अनाउंस किया, अब आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और उस वक्त इंडस्ट्री के बहुत लोग भी वहां मौजूद थे शो में, सिर्फ पब्लिक नहीं। और एक साइड से लता जी आई, दूसरे साइड से रफी साहब आए, और दोनों स्टेज के बीच में आए। आपको मालूम नहीं कि क्या ताली उस वक्त बजी है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री 4 साल से इस मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर उन्होंने एक डुएट साथ में गाया, दिल पुकारे आरे आरे जुल थीफ का, जो अनाउंस हुआ कि 3-4 दिन पहले गाना रिकॉर्ड हुआ है आने वाली फिल्म में, तो उन दोनों ने उस गाने को वहां गाया। तो इतना बड़ा मौका था उस वक्त। उसके बाद फिर एक के बाद एक लता जी रफी साहब के डुएट्स बहुत हर फिल्म में एटलीस्ट 3-4 डुएट होने लग गए, क्योंकि देन इट स्टार्टेड अगेन। एक वक्त कुछ हालात इंडस्ट्री में उनके बारे में, लता भाई के साथ उनकी अनबन हो गई थी और वो दोनों इकट्ठा गा नहीं रहे थे, लेकिन कभी भी मैंने उनसे कभी एक लफ्ज भी नहीं सुना लता भाई की बुराई। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करती। दिल मिल से तारों का आंगन होगा, रिम जिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। रफी साहब का पहले मैं फैन था 84 में, और फिर मैं पुजारी बना 1999 में रफी साहब का, बिल्कुल पुजारी बनने को लगा भाई ये कुछ इंसान तो है नहीं, ये फरिश्ते हैं और इनको सुनने के साथ पूजना बहुत जरूरी है। एक अंदर से एक आवाज आई, उसके बाद 1999 से मैं रफी साहब को पूजने लगा। रफी साहब के सबसे बड़े फैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फैन जो हैं वो नाम लेता हूं, आप लिखिए, किशोर कुमार, रफी साहब के बहुत बड़े फैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं, सब हमेशा रफी साहब को इतना मानते थे, तो उनके फैन तो यही हैं, तो और हम किसकी बात करें। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। 1975 में संजय गांधी अपने माँ के बहुत ही लाडले चाहते थे और वो फंड वगैरह इकट्ठा कर रहे थे अपने पार्टी के लिए, तो उन्होंने किशोर कुमार को कहा था कि मेरे शो में आके गाओ। तो किशोर ने कहा देखिए मैं कलाकार आदमी हूँ, आर्टिस्ट हूँ, आप मेरा पेमेंट दीजिए मैं आके गाऊंगा। तो उस पर चले गए, तुम मुझसे पेमेंट मांगते हो, उनको अभी सीधा करता हूँ मैं, तो उसको बैन कर दिया। तो किशोर को बैन कर दिया तो कोई डर के मारे प्रोड्यूसर कोई लेता नहीं था, रफी साहब को लेते थे। रफी साहब को कहते थे कि ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया आपको, क्योंकि उस वक्त किशोर उरूज पे थे। तो रफी साहब ने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं खुद जाऊँगा दिल्ली, संजय से बात करूँगा। दिल्ली गए, संजय से बात करी और क्या तुमको एक शो चाहिए, मैं तुमको 10 करके दूंगा, मगर इसके ऊपर से बैन हटा दो, इसके भी बीवी बच्चे हैं। उसके बाद आके पहला इन्होंने क्या अब्बा के साथ में रिकॉर्डिंग करी संजय गांधी के लिए फॉर दूरदर्शन आरओई प्रोग्राम,
मधुबन मेरा दीकाना चेहरे मधुबन मेरा अधिकार नाचे रे मधुबन मेरा अधिकार ना। कलकत्ता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में शो था तो ग्रीन रूम में सब आ गए फैंस। किशोर था आप रफी साहब बैठ सब बैठे ऑटोग्राफ। किशोर बोलता रहे मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे हो करो संगीत तो उधर उनका ऑटोग्राफ लो। रफी साहब बहुत मेरे पिताजी से कुछ 4-5 साल पहले आए थे। ही वाज डेफिनेटली सीनियर तो एक अलग ही रिस्पेक्ट था पिताजी को करते थे और ये फ्रॉम बोथ द साइड्स दे वर ग्रेट। मैंने एक भी ऐसा शो नहीं देखा जिसमें किशोर दा ने रफी साहब को याद नहीं किया हो। हर शो में एक गाना और वो भी पहले 5 गानों में कहते थे अब मैं मेरे दोस्त यही उनकी लाइंस होती थी अब मैं आपके सामने मेरे दोस्त रफी साहब की याद में एक गाना पेश करता हूं। और गाना कौन सा था आपको याद है? मन रे तो काहे न धीर धरे। अब ये क्या गाना किशोर दा कैसे गाते थे तो गाना रफी साहब का लेकिन किशोर दा अपने अंदाज में मन रे तो काहे न धीर धरे ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे हे मन रे तो काहे न धीर धरे। और ये पूरा गाना और इतना आंख बंद करके इतना कॉन्सेंट्रेट करके और ऑडियंस में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और हर शो में गाते थे। एवरी सिंगर रिस्पेक्टेड रवि साहब इन अ वेरी बिग वे दे ऑल न्यू वेयर ही इज एंड वेयर दे आर देयर इज नो डिनायबिलिटी ऑफ दैट। आराधना के बाद जब किशोर दा वाज ऑन द टॉप और थोड़ा बहुत रफी साहब का काम कम हुआ प्रेस वालों ने लिख दिया मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट रफी साहब कि रफी फिनिश्ड रफी गॉन ही इज दिस एंड दैट किशोर दा इज नंबर वन किशोर दा इज दिस किशोर दा दैट। तो किशोर दा ने एक स्टेटमेंट रिलीज करवाया था प्लीज इस बकवास को बंद करो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये रफी साहब बहुत ग्रेट है मैं उनकी इज्जत करता हूं ये जो कुछ आप लिख रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बंद करो ये किशोर दा ने प्रेस में लिखवाया था। समवेयर अराउंड 75-76 वी सब कॉल्ड अप माय फादर एंड मदर यार बड़ा उदास हो गया मैं तू आ मिलन तो ही डैड टोल्ड आ मैं आना तो डैड वेंट देयर एंड देयर वाज अन तबलची विद हिम ऑलवेज गैनी यूज्ड टू स्टे इन आवर हाउस ओनली ही वाज नो टू रफी साहब सिंस हुसैन लाल भगत राम जी दोस्त थे आज आ जाओ आओ ज्ञानी जी आओ मिंदर आओ यार बैठो यार यू वाज सिटिंग इन दी गार्डन ऑल अलोन तो रफी साहब कहते हैं रेडी को मिंदर कमाल होगी यार दिस इज नाउ दिस इज अ वेरी बिटर पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री व्हिच ही मेंशन दैट टाइम टू माय फादर कि यार वो प्रोड्यूसर जो पैर को हाथ लगाते थे साला मुंह देख के निकल जाते हैं दे डोंट इवन रिकॉग्नाइज मी कहते हैं बिकम अ बैड सिंगर मिंदर। So my father said, "In case इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको रफी साहब?" कहते if they can do it to you, they can do it to anybody. कहते मतलब कि अगर it's not whether you are good or bad, it is the type of people we are dealing with. So then, then my father is to pacify him in his own way and कहते नहीं रफी साहब ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है जब कहते चलिए यार एक गाना सुनाता हूँ अभी मदन मोहन जी का मैंने किया रिकॉर्ड मच्छरों और my father is singing that song. In that particular mood, in that particular time, in that शाम के वक्त जो उनके हॉल रूम में मैंने सुना, it is something that I couldn't express. And the song was हंसते जख्म का तुम जो मिल गए हो. फिर जो रफी साहब की आवाज और जो म्यूजिक और जो कॉम्पोजिशन और जो that entire thing was like magic. कहते it was कहते ज्ञानी and me तो वो crying like children. And कहते रफी साहब भी रोना शुरू हो गए हमारे साथ. What a song, what a voice. तुम जो मिल गए हो
People are talking, okay, now he's over and out. He came with a bang. He came with a bang. A film which was in the, not in the can, but delayed film called Leela Majnu. Yeah. And that song music was mind-blowing. Madan Mohan ji and his voice. Main tere dar pe aaya hoon, kuch karke jaunga ya, woh kitne saare gaane uske. Yeah. And immediately after that was Amar Akbar Anthony. Parda hai, parda hai. Yeah. And after that was Hum Kisi Kam Nahi. क्या हुआ तेरा वादा. सो ही जस्ट केम एंड टेल बॉस आई एम देयर. पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे ये पर्दा नशी है. पर्दा नशी तो है पर्दा ना कर गुंड पर्दा. पर्दा नशी तो है पर्दा ना कर दूं तो अकबर में मनमोहन देसाई यूज्ड टू से कि अगर खुदा की आवाज है तो वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज है. द कमिंग बैक ऑफ रफी साहब आई विल क्रेडिट टू पर्सन इन दिस. वन इज लक्ष्मीकांत करलन एंड मोर देन दैट इज मिस्टर मनमोहन देसाई द डायरेक्टर. या 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 ही वाज द मेन पर्सन टू ब्रिंग बैक रफी साहब into the market again in a very big way, very big way. I was there at the sitting when Lakshmikant ji was composing the song and Manmohan Desai was sitting there. Unki film chal rahi thi Dharmveer. To wo gaana chal raha tha, shuru hua. To Lakshmi ji bole ye gaana hum Kishor Kumar se lete. Bole bilkul nahi yaar, bilkul nahi. Bole ye gaayenge hamare Rafi Mia gaayenge. Okay. Lakshmi ji ne kaha. Acha Lakshmi. Yaar thoda sa gadbad ho jata hai. तो वो बोले वो गलत नहीं, गंदे से गंदा गाय मुझे चलेगा मगर रफी साहब ही गाएंगे गाने को. मुझे लगता है कि उस वक्त मनमोहन देसाई में कहीं भगवान की आवाज आ गई थी बिकॉज ही हैड टू कम बैक एंड ही वाज अ मॉन्स्टर फॉर दैट. यस यस यस. वरना आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कहोगे. ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. पर देख तू जो लूट कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी. ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या. टेल यू वन इंसिडेंट. दैट टाइम वी वर नॉट सो रिच, वी वर नॉट ऐसे साधे सुधे ऐसे गरीब मामला था. मैं आई वॉज अ ड्राइंग टीचर इन वन स्कूल. वो पगार भी बहुत कम था. मेरी मिसेज बॉम्बे टेलीफोन्स में काम करती थी. उनका एक टुकड़ा पगार ऐसा छोटा, यानी इट वॉज नॉट अ बिग सैलरी. तो उसी टाइम हमारे दिन बहुत अच्छी तरह नहीं चलती थी. हैंड टू माउथ ऐसे हमारे दिन चलते थे. तो मेरा एक लाल शर्ट शोल्डर से एक कमर तक अच्छा फटेला एक था. तो आई यूज टू टेल माई वाइफ टू स्टिच इट. माई वाइफ यूज टू से आई कैनॉट स्टिच इट बिकॉज इट इज सो ओल्ड, आई कैनॉट स्टिच इट, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट मी और इट इज ऑफ नो यूज. देन आई यूज टू गेट एंग्री ऑन हर बट शी यूज टू ट्राई इट बट इट वॉज अ फेल्यूर. शी कुड नॉट डू इट. I said, let it be. If you cannot make it, let it be. Let anybody can say that or let anybody can comment on that. I don't care for that. I used to do like it. Aur woh shirt pehenkar main Rafi saab ke ghar par gaya aur bula ke unki riya chalu ho gayi. Riya chalu hone ke baad mein unhone hall mein hame bulaya. Humne sevaya diya. Do glass humne hamare paas doodh ka diya. और बोले आप यू टेक इट. एंड आफ्टर दैट ही केम नियर मी एंड ही टच्ड दैट टॉर्न शर्ट. मेरे कंधे पर ऐसा हाथ लगा है. व्हेन ही टच्ड मी आई वाज शॉक्ड क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे इनका हाथ मेरे शर्ट पर आ गया. तो देन आई बिकेम वेरी सैड.
I became very sad. I thought that it is not good, so that he should. He did not say anything, but in the evening, he sent one driver with one suitcase. Okay. And in that suitcase, mein, 12 shirt, 12 pants, 12 suit, and 12 sariyan, bhabhi ki sariyan, bhar ke de diya. Driver aa gaya aur bole ki saab ne aapko diya hai aur ye chabi hi diya hai. So I said okay. I took it inside. I opened that. When I opened that, I saw the shirt and pant and everything. I immediately phoned him and I said, sir, aapne bahut out of way gaye. To bole nahi nahi out of way nahi hai, bole ki I don't want to tease you for your poverty. Aap garib hai, aisa hasne ka सवाल तो नहीं आता है. तो मेरा फ्रेंड मेरे माफक ऐसा रुबाबदार होना चाहिए, ये हिसाब से मैंने ये कपड़े भेज दिए. टीयर्स केम इन माय आईज, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट मोमेंट. इन द ईयर 1978-79 में रफी साहब को 2 महीने के लिए विदेश जाना था कॉन्सर्ट टूर के लिए. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको अप्रोच किया कि भाई आप तो चले जाओगे, कई पिक्चर रिलीज पे हैं, वो तो अटक जाएगी. तो रफ़ी साहब ने कहा कि भाई मैं आपके लिए कंटिन्यूसली गाने तैयार हूँ, आप रिकॉर्डिंग फिक्स कर लो. तो रफ़ी साहब ने 5 गाने 19 घंटे में गा के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के 5 गाने रिकॉर्ड करके दिए. रिकॉर्डिंग शुरू हुई सुबह 9 बजे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे समाप्त हुई. मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक गायक 5 गाने कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करके ये रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है. रफ़ी साहब जब विदेश यात्रा पर गए प्रोग्राम्स के लिए, घर वालों ने जैसे हर एक के घर वाले होते हैं अपनी अपनी फहरिस्त बना कर दे दी, हमको ये चाहिए हमको ये. उस समय विदेशी सामान के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में एक उतावलापन रहता था कि हमारे पास हो, तो सबकी फहरिस्त ले ली, सब कर लिया. रफ़ी साहब चले गए कार्यक्रम देने. कार्यक्रम देकर जब वापस आए तो खाली हाथ. तो सब लोगों ने पूछा कि हमारे सामान का क्या हुआ, हमने जो आपको फहरिस्त दी थी उसका क्या हुआ. तो रफ़ी साहब बोले, भाई मैं तो कुछ नहीं लाया. सब घर में जरा सा मनमुटाव सा थोड़े दिन सबके मुंह बने रहे कि हमने सामान मंगाया, रफ़ी साहब विदेश गए और कुछ लाए नहीं. चॉकलेट के अलावा वो कुछ नहीं लाए. थोड़े दिन के बाद विदेश से एक संदेश आया कि आपने गरीबों के इलाज के लिए जो मशीनें बुक की थी वो अब भेजी जा रही हैं, उसके कागजात हम भेज रहे हैं, आप वहाँ उनको रिसीव कर लीजिए और फिर जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए. तब लोगों को ये मालूम पड़ा कि रफ़ी साहब ने जितने कार्यक्रमों से धन कमाया था वो गरीबों के इलाज के लिए उन्होंने मशीनें खरीद कर दान दे दी थी यहाँ के अस्पतालों के लिए. और ये चीज़ मुझे कन्फर्म की कुछ डॉक्टर्स ने. इंग्लैंड में डॉक्टर हीमा दाधीच और डॉक्टर विनोद दाधीच हैं, और इंग्लैंड में ही डॉक्टर आभा ओझा और डॉक्टर हेमंत ओझा, इन चारों ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ उन्हें मालूम है, क्योंकि वो जितने भी हिंदुस्तान से कलाकार संगीत के विशेष रूप से इंग्लैंड गए हैं, ये लोग हर एक कलाकार से मिले ही नहीं हैं बल्कि अपने घर भी लाए हैं, कार्यक्रम भी रखे हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी थी, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया. बिलीव मी, देयर आर सो मेनी फैमिली आफ्टर माय फादर एक्सपायर्ड दे केम टू अस व्हेन माय मॉम वाज अलाइव. कहते थे कि अपना रफ़ी साहब ने ये किया, रफ़ी साहब ने मेरे लिए वो किया, मॉम डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. और आई रिमेंबर फर्स्ट एनीबॉडी एनी म्यूजिशियन गेट अ फर्स्ट चांस. तो उनकी एक खास खूबी थी कि हर बजट की पिक्चर का वो गाना वो गा देते, हर बजट में गा देते थे,
और किसी को निराश नहीं करते थे किसी प्रोड्यूसर को कि कोई अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, उनका बजट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, सबको लगा बड़े खुश थे। बातें भी करनी होती थी कि कहीं कम पैसा मिला है कहीं ज्यादा मिला। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। I was arranging songs at that time. I was arranging a song, and that musician told me, "I want Rafi sahab to sing this song." You know, what's that? That friend of mine. He said, "I want Rafi sahab one song from him. Please see if I can get him." I said, "I'll try and talk to him." So I called Zaheer. I said, "Zaheer bhai, ek gana karna hai sahab ka. We used to call him sahab. Nobody called him Rafi sahab. We used to call him sahab. Hai, kehte hai." So bole, matlab Zaheer bhai, kya lenge paise ka? तो वो फोन में था, मैं बोले 15,000 रुपये लेंगे। तो आई टोल्ड माय फ्रेंड, बाबा 15,000 मांग रहे थे, बोले यार मत कुछ की वजह है, इतने तो पैसे नहीं मेरे पास। मैंने कहा उनके घर चलते हैं लोग, इस ट्रेन बैंड्रा दैट लास्ट हाउस वी वेंट देयर। तो फिर जहीर भाई फिर मिले, तो जहीर भाई बोले काम करके तो 12,000 कर ले चल। बोले नहीं यार जहीर भाई, इतने पैसे नहीं है उसके पास, तो तू साहब से बात कर ले। सी पहले के तब कैसे थे वो, हालांकि हमको निकाल सकता था जहीर भाई, हमारे दोस्त है वैसे नए मिलते बैठ रहे, आपसे गाना लेना चाहते हैं। तो जहीर भाई ने 12,000 कहा है, उसके पैसे नहीं है सब, ठीक है तो कहा है मुझे साहब कम है मेरे हिसाब से, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है गलत है या अच्छा है, उसके पास पैसे नहीं है। अच्छा कितना देना चाहते हैं? मैंने बोला बोल भाई तुम क्या देना। मेरे दोस्त ने कहा साहब मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। हाँ तो मैं तो डर गया, जैसा उसने 2,000 रुपया कहा था मैं तो डर गया, मतलब गाली पड़ने वाली है। कुछ अब बोले चलो भैया बाहर चलो कहीं और दुकान लगाओ, बोलेगी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हारमोनियम मंगा दिया, हारमोनियम मंगा लिया, बोले मुझे गाना याद करा दो चलो। और कब करेंगे, बोले जब आप बताओ 4-5 दिन के डेट। तो गाना खत्म हुआ, गाना खत्म होने के बाद मैं आई वेंट टू ड्रॉप इट नियर द लिफ्ट, ऐसे देखिए राइट लिफ्ट छोड़ के आई वेंट टू द लिफ्ट। साहब एक मुझे बात बताइए, नहीं भाई ने 15,000 कहा फिर 12,000 कहा, उस मुजरा ने आपको 2,000 कहा, अगर मेरे से इंसान बोल ठीक है यार तो पैसे मत दे चल मैं तेरा गाना गा के जाता हूँ, मगर आपने 2,000 क्यों लिए, मुझे इसका जवाब दिया। तो मैंने कहा बोले मेरे को ऐसा है कि मैंने अपना काम का पैसे दे दिए, मेरे उस आदमी के सर पर कोई मेरा कर्जा नहीं है। उस फिल्म का नाम था दीदारे यार। उसके मेकिंग में 4 साल लगे थे, तो ऋषि कपूर और मैं दोनों उस फिल्म में थे। तो पहला गाना रफी साहब ने रिकॉर्ड किया था जब पिक्चर स्टार्ट हुई थी, और 3-4 साल के बाद जब लास्ट शेड्यूल था उस तब एक गाना रिकॉर्ड हुआ किशोर दादा का और रफी साहब का। अभी आई एम एक्सप्रेसिंग द नंबर्स बिकॉज प्लीज पार्डन मी इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट अनलेस आई एक्सप्रेस द नंबर्स आप लोगों को बात समझ में नहीं आई। तो अब्दुल किशोर दादा का सेक्रेटरी कुछ था, तो उन्होंने पैसे पूछे, तो आई थिंक ही वॉज टेकिंग 20,000 रुपीज, तो उनको 20,000 दिए। तो सबको पेमेंट हो गई, ऐसे मैं को मालूम पड़ा। तो जैसे मैं घर गया, पाली हिल पे रहता था बांद्रा में, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, रफी साहब के ब्रदर इन लॉ उनके सेक्रेटरी थे, वो घर पे आए और उन्होंने बोला रफी साहब से बात करिए आप। तो मैंने फ़ोन उठाया, बात किया, तो मेरे से पंजाबी में बात करते थे, बोले जीते तेरे को कोई पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन क्या हुआ?
बोले ये इतने पैसे क्यों दिए मेरे को, कितने पैसे दिए? बोले तूने 20,000 दिए, तू मैंने 20,000 देते हैं। क्यों? बोले पहला गाना रिकॉर्ड किया था तब 4 दिए थे, और ये 20 क्यों दे रहा है? तो वो जो आए थे ब्रदर इन लॉ, वो 16,000 रुपए लेके आए थे। तो दिस वॉज हिज कैरेक्टर। मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी रफी साहब के इंतकाल से बिल्कुल 1 हफ्ता पहले। सुबह 7 बजे आए, गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे, तो मैं उठ के बाहर गया। कहने लगे बेटा वो कोई वॉचमैन को बुलाना जरा। उन्होंने क्यों अंकल खैरियत? बोले बेटा मैं गाड़ी में वो रखी हुई चटाइयाँ रखी हैं, जानामाज 100 जानामाज लेके आया हूँ। बोले डांडा में एक मस्जिद है, टीन की बनी हुई है, टुकड़ा जैसी, वहाँ तराबी लोग पढ़ते हैं तो कागज बिछा के। बोले वहाँ ये दे देना, मगर बोलना मत कि मैंने दिए। आज कल मैं ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई, रंग भरी शाम। रफी साहब की तबीयत जनवरी से ही ठीक नहीं थी। 1980 जैन में हम लोग गए थे दुर्गापुर, तभी उनको एक माइल्ड अटैक मेरे ख्याल से आया था। तो ये दुर्गापुर की बात है, ये मिथुन चक्रवर्ती जी का शो था। I think he was tortured to death. He was not happy inside. जितना मैंने उसको देखा है, अंदर से बहुत ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो दत्ता जी के घर से मुझे 10:25 के अंदर फोन आया था, छोटे गुलाम अली मेरे घर में बैठे हुए थे, और फोन उन्होंने उठाया। वहां से मीना ताई, मुझे फोन किया था मीना ताई ने, इनकी छोटी बहन दत्ता जी की, तो मीना ताई का फोन आया था, गुलाम अली ने लिया और वो इधर से बोले प्यारे भाई या अल्लाह कुछ बोलना नहीं। अबाउट 2:30 इन द नाइट आई गॉट अ फोन फ्रॉम वन ऑफ द पेशेंट्स के, सुना ऐसा कि रफी साहब का कोई प्रॉब्लम हो, आई नो वॉज इन हॉस्पिटल। तो इमीजिएटली आई कॉल बाजी, ना बाजी मीन्स रफी बाजी, यू कॉल बाजी के बाजी, मैंने सुना दैट शी स्टार्टेड क्राइंग, सो आई नो दैट इज वॉन्ग, सो आई सेड होल्ड ऑन, वी आर जस्ट कमिंग देयर, दिस इज नेक्स्ट गुरु नानक पार्क क्लोज बाय। सो विद इन 5-10 minutes आई रीच देयर, आई कॉल बुप्पी भूपेंद्र सिंह एंड उत्तम सिंह, दे वर वेरी क्लोज। मैं रात को गाड़ी निकाली, मैंने भूपेंद्र जी को लिया, हमारे बड़े भाई हमारे दोस्त रफी साहब को, उनको बहुत प्यार करते थे, राम जी हैं जो हमारे मेरे असिस्टेंट हैं, हम तीनों उनके घर पहुंचे तो पता चला जी कि बॉडी जो है बॉम्बे हॉस्पिटल में है। बॉम्बे हॉस्पिटल गए, सुबह जाके वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एक इनके बहुत खास म्यूजिशियन थे मिस्टर लेजली करके, जो बहुत बड़े ड्रमर थे उस टाइम पे, उन्होंने इनकी बॉडी जो है बॉम्बे हॉस्पिटल में संभाल के रखी थी, क्योंकि उसका मॉर्ग खराब चुका था उसमें। अच्छा। वो नहीं तो उसने, उन्होंने रात को वहां से कहीं से बंदोबस्त करके बर्फ की जो लादियां होती हैं, बर्फ की जो बड़े बड़े ईंटें होती हैं उनके ऊपर इनकी बॉडी पड़ी हुई थी जब हम सुबह लेने गए। आज भी अगर उनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो भूपेंद्र जी के साइन है वहां पे, उन्होंने कहा था कि मैं इनका भाई हूं। अभी कहां भूपेंद्र सिंह और कहां मोहम्मद रफी, लेकिन वहां पे साइन है, लेकिन उनको बताता है देने वाले को कि यह कौन है। तब उनको वहां पे छुड़वाया, फिर एम्बुलेंस बुलाई, उनको चादर से लपेटा, तो हम लोग फिर वहां से लेके आए, फिर हम लोग महबूब स्टूडियो लेके गए जी। हमने ट्रक हायर किया, महबूब स्टूडियो लेके गए, ट्रक पूरा धोया हम चारों ने, वहाँ पे जो एक दो लोग थे उन्होंने भी ट्रक धोया। फिर हमने कुछ सब लोगों ने मिलके कुछ 150-200 meters कपड़ा खरीदा, उस कपड़े से पूरा वो ट्रक जो है वो सजाया,
फूल लिए फूल से जाए फिर वो जो उनकी अर्थी थी वो तो अर्थी तो घर चली घर पहुंच गई थी फिर हम वो ट्रक जब आए उनके घर गए घर से उनकी अर्थी निकली साहब के घर गई तो वहां जाके मैंने देखा कि वो जो गेट हमेशा बंद रहता था वो पूरी तरह से खुला हुआ है और सारे इतने सारे लोग हैं बड़े बड़े स्टार्स भी वहीं खड़े हैं और मामूली जो ऑर्डिनरी लोग वो लोग भी वहीं खड़े हैं और हर कोई दुखी है कोई उस समय किसी स्टार को नहीं देख रहा था जबकि किसी के स्टार की डेथ होती तो लोग स्टार को देखने के लिए वहां ज्यादा आते मरने वाले की उनको कोई फिक्र नहीं रहती जब आपकी मैयत पर लोग कैसे आते हैं उससे आपकी पॉपुलरिटी उससे आपका प्यार पता चलता है तो इनके जनाजे में हजारों लाखों की गिनती थी लोग ऐसे उम्र पड़े थे जैसे कि मैं तो इसे हम कुछ कहें उनके बारे में ये जनाजा ही बता देगा सब कुछ कि वो क्या थे आपको मालूम है रास्ते पर ट्रक रोकती थी लोगों ने खड़ा खड़ा हो गए थे बीच में सुनील दत्त उतर के गए ट्रक से बोले कि भाई हट जाओ भाई ले जाने दो जनाजा बोले कि भाई देखिए हम लोग आप लोग को देखने के लिए नहीं आए हीरो वगैरह को देखने नहीं आए अब हाजी मोहम्मद रफी को कांधा देने खड़ा है तो फिर सुनील दत्त कहता कि ऐसी बात है तो उनको भी उतारा गया कि सब कांधा दे के लेते गए बोले हम लोग रात से कहा खड़े हुए और बोले आज इतनी बारिश थी बांद्रा मस्जिद में इनके जनाजे की नमाज हुई अंदर मैं नहीं जा पाया गांधी के इंतकाल के बाद गांधी जी की अर्थी निकली तो एक रफी साहब की निकली इतने लोग इतना हजूम एक मैयत पे इकट्ठे नहीं हुए जो शुभ माना जाता है उस दिन बरसात भी हुई लोग ऊपर से फूल बरसा रहे थे जहां से रफी साहब के अर्थी जा रही थी वहां से हर रास्ते हर लोग फ्लैट मतलब मकान के ऊपर से फ्लैट के ऊपर से सब लोग ऐसे बारिश कर रहे थे मतलब फूलों की तो जब उनके बॉडी ट्रक में लेके गया तो ट्रक में मेरे को भी ट्रक में बैठाया और उसने बोला साहब आप मंदिर का है अब यहाँ कोने पे खड़ा कर भगवान इनके आप अपने भगवान की तरफ से प्रे करिए तो उसने मेरे गीता उतर नहीं लाया नहीं था तो एक मौला साहब थे वो कुरान लेके था एक कोने पे एक सरदार जी एक कोने पे था और एक मैं इस कोने पे था और एक क्रिश्चियन जुबिस्की जो एक्टर था ना वो क्रिश्चियन था वो एक जगह बाइबल लेके खड़ा था मैं माला में जप कर रहा था ये हम लोग को प्रोसेसन वहाँ से मस्जिद से लेके बांद्रा मस्जिद से लेके सांता क्रूज जो क्रिमेशन है वहाँ पर लेके आए फिर बारिश शुरू हो गया उस टाइम समझना मैं ट्रक से देख रहा पूरी जितने दूर तक आगे और पीछे नज़र आता है सिर्फ लोगों से भरा हुआ ट्रक के ऊपर से वही देख रहा था लोगों से भरा हुआ वो सीन ऐसा लग रहा था कोई जिंदा संत जा रहे हैं और उनको दर्शन करने के लिए इतने लोग खड़े ये मेरे हिसाब से जो मैं सोचा कब्रिस्तान में कोई 40 आदमी साथ में गया तो जन्नत का हकदार होता है हमारे ऐसे बोलते हैं 40 आदमी भी साथ में गया कांधा देके तो जन्नत का हकदार होता है लेकिन इसमें तो कई हजार आदमी थे आई वाज लुकिंग एट दैट कॉफिन लोग जो मूर्ति तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट बॉडी वाज इनसाइड वो जो लकड़ी की बॉक्स होती है बॉक्स अंदर बट आई वाज सीइंग हिज फेस आई वाज नॉट नोइंग What happened? कैसा चमत्कार जैसा होता है मिरेकल ऐसा और बहुत लोग रोते थे आई वॉज ऑल्सो क्राइंग लाइक एनीथिंग कब्रिस्तान की दीवार गिर गई थी लोग चढ़ के जा रहे थे उस पर वो कांच लगे थे दीवार पे हाथ कट गए लोगों का परवाह नहीं फाल फाल के जा रहे थे रफी साहब को हमको मट्टी देना है हम लोग मुस्लिम होता है कि मुट्ठी भर रात देते कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों मैं तो क्या आपको ताज्जुब होगा कि लता जी और आशा जी भी बहुत दुखी क्योंकि इनके उनके कलीग है ना और अगर वो दुखी हुए हैं तो इसका मतलब है सच में भारतीय संगीत को बहुत नुकसान हुआ स्पेशली फिल्मी संगीत को मैं समझती हूँ कि उनके जाने हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हानि हुई है
और एक संगीत का युग आज खत्म हुआ है। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। फिल्म का जो म्यूजिक है उसका एक एक स्तून जो है, स्तून मैंने उसका एक स्पोर्ट जिसपे मकान खड़ा होता है वो एक गिर गया। 31 जुलाई की वो रात थी, 31 जुलाई की वो रात थी, फलक रो पड़ा ऐसी बरसात थी, गमगीन सारी ये कायनात थी, आवाज आई कि वो था वली मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी। नौशाद साहब को 10-15 दिन तक उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी, किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अकेले चुपचाप बैठे रहते थे। 15-20 दिन के बाद फिर जब उन्होंने अपनी ये खामोशी या चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने फिर अपने अजीज दोस्त और एक अजीम गुलूकार यानी सिंगर मोहम्मद रफी साहब के खो जाने के गम में तो इस तरह से अपने यानी ख्यालों का इजहार किया कि उन्होंने कहा था कि कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसिकी का पैगंबर चला गया। बना देंगे तो गवाएंगे किस, गाना गाएगा कौन? अब मेरे गाने होते थे ज्यादातर रफी साहब स्टाइल। टिल टुडे ऑल आवर सिंगर्स ट्राई एंड इमिटेट इट, आई यूज द वर्ड ट्राई, दे आर नोवेयर क्लोज टू हिम आल्सो, and I don't think they are aware of it themselves that they are nowhere close to it. The genius of Mohammed Rafi cannot be negated. वो चमत्कार था, वो दाता ने एक चमत्कार बना के पृथ्वी पर भेजा था कि जाइए इस पृथ्वी का थोड़ा उद्धार कीजिए। रफी साहब के गाने हम सुन सके, मतलब ये कहते ना कि हम अपने माँ बाप के बारे में कहते कि उनका खून दौड़ रहा है, तो we feel fortunate or blessed. तो मैं ये समझूंगा इस युग में जन्म लिया जहां रफी साहब के गाने कानों के जरिए यहां मेरे दिल तक गए, तो मेरे ख्याल से जो अच्छाइयां अगर मेरे गाने में आई होंगी तो दैट्स बिकॉज आई हैव लिसन टू रफी साहब। कभी कभी खुदा ताला कुछ ऐसी चीजों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है ताकि हम सुने और देखें और खुदा ताला हमको बताए कि देखो मैं ये भी कर सकता हूं और ये भी मैं क्रिएट कर सकता हूं, और हमको एक थोड़ा सा मजा चिखाते हैं ऑफ हिज ग्रेटनेस। ही डिड दैट थ्रू रफी साहब्स वॉइस। रफी साहब इज my my love. These are karishmas that happen once in a lifetime, once in a billion years. You know, people billion years that they come to live with us. Pata nahi kis kambakht ki nazar lag gayi unhe jo itne jaldi chale gaye. Aaj bhi hum miss karte hain. Really, I really miss him a lot. We'll be celebrating that. Tribute to unko diya jata hai jo nahi rahe. ये तो जब तक चांद तारे आसमान पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक रफी साहब की आवाज जो है वो हमारे अंदर जो धड़क रही है वो हमारे अंदर जिंदा है। उनकी यादों के खिलौने बारहा, उनकी यादों के खिलौने बारहा, हाथ से टपके टूटे तो मैं रफी साहब से ना भी है मैं ये करता हूँ याद के और आज सलाम करता हूँ खुदा। Thank you.
Thank you.